नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर, जहां देश भर में आज से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। घर और मंदिर सभी दुल्हन की तरह सज चुके हैं और हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ इस पर्व की आज शुरुआत हो गई है। लोग मन में आस्था लेकर माँ के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर सीएम बघेल ने देशवासियों को ट्वीट करते हुए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मां देवी से कामना करता हूं कि सबका जीवन मंगलमय हो। खबर कबीरधाम से है, जहां बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और बारिश तो बारिश, ऊपर से ओलों की बारिश किसानों को बर्बाद कर चुकी है। फसल नुकसान होने पर जोगी कांग्रेस ने किसानों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग कलेक्ट्रेट से की है। बता दें कि जोगी कांग्रेस के अश्विनी यदु जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कबीरधाम जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। वही कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने पर हजारों एकड़ में लगी रबी की जो फसल है, जिसमें चना, गेहूं, अरहर सहित सब्जियां हैं, उनका भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत बड़ी मुश्किल बन के आई है। हमारे जिले के जितने किसान हैं जो ये सोच के बैठे हुए थे, जिनके घर में शादी ब्याह है, बहुत सारे प्रोग्राम है, कि इस फसलों से उनकी सुखद पूर्वक शादी ब्याह निपट जाएगा, लेकिन अब सारे किसान दुखी हैं। 100% डैमेज है, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, सभी डैमेज है। कलेक्टर साहब से मुलाकात करके ये मांग करने आए हैं कि किसानों को 100% उनका मुआवजा दिया जाए, और कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के बाद उन्हें आश्वासन भी दिया है कि इसकी जाँच होगी और आगे ये किसानों के साथ हम और अगली बार आएंगे यहाँ पर और ये मांग रखेंगे। किसानों का मांग जो है वो पूरा होना चाहिए। रिपोर्ट बताती है और किसानों को राहत के लिए क्या प्रावधान। देखिए, अभी 3-4 दिनों से लगभग काफ़ी यहाँ पे आंधी तूफान और बारिश रही है, और हमने जैसे ही ये फर्स्ट डे से ही निर्देशित कर दिया था कि किसी तरह की जनधन या फिर फसल की क्षति होती है उसका आकलन कर लिया जाए। मैं स्वयं भी कुछ खेतों में गया था फसल की क्षति का आकलन देखने के लिए, और वो सर्वे चल रहा है और जो प्रावधान है उस प्रतिशत में आने पर RBC 6-4 के अंतर्गत मदद दी। महासमुंद में नगर पालिका आयोजन समिति ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 11 पुरुषों और नगर पालिका के स्वच्छता दूत बहनों को सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान छाया वर्मा ने कार्यक्रम में सभी को पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की शपथ दिलाई, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्कूली बच्चे, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत, सांस्कृतिक और नाटक की प्रस्तुति दी। साथ पढ़ने के कारण सब आगे पीछे मना रहे हैं, और मेरा मानना है कि ऐसे एक एक दिन दूसरे दूसरे जगह महीना भर, डेढ़ महीना लगातार मनाते रहना चाहिए। जैसे देखिए, पेड़ में जब हम खाद डालते हैं तो खाद डालने से पेड़ जल्दी बढ़ता है, वैसे ही अगर किसी का सम्मान किया जाए तो उस प्रतिभा को और अच्छा मिलता है, आगे बढ़ने के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो महिला सम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर राशि जी ने एक अलग चीज हमें दिखाया कि यहाँ तो सभी समाज की महिलाएं आई। हम लोगों के लिए कोई दिवस फिक्स नहीं है, हर दिन मना ले तो त्योहार है, लेकिन आज हम लोगों ने, सारे आयोजन समिति ने मिल करके आज का दिन तय किया, और आज हमारी पूर्व राज्यसभा सांसद छाया दीदी आई थी हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए। और आज स्पेशल ये रहा है, हम लोगों ने कोशिश की कि भारत की एकता, जो अनेकता को एकता में बांधने की, आज जितने भी समाज के लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया, उनको उनकी वेशभूषा में आने के लिए आमंत्रित किया था, और आप वहाँ पर देख रहे हैं। कबीरधाम में 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन भोरम देव में अव्यवस्था को लेकर आज भी चर्चाएं सरेआम हो रही है। बता दें कि 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव 19 और 20 मार्च को रखा गया था, जहां छत्तीसगढ़ के खजुराहो के भोरम देव मंदिर के दर्शन और महोत्सव कार्यक्रम देखने के लिए राज्यों से लोग आए थे।
यहां आए हुए लोगों के लिए कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया था और लोग यहां खड़े होकर कार्यक्रम देखने पर मजबूर थे। वहीं पत्रकारों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होने से पत्रकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि प्रशासन के द्वारा चलित शौचालय की व्यवस्था तो की गई थी लेकिन दरवाजे में ताला लटक रहा था। इस महोत्सव में आए हुए कलाकारों को भी कोई भी संसाधन नहीं दिया गया, जिसके चलते मायूस होकर उन्हें वापस तक लौटना पड़ा। वापिस जा रहे से रिटर्न गाड़ी में बैठ चुके रिसे, फिर बुलाए कि समझला चलो कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत कर रहे करके, दोबारा से हमारे कलाकार मन तैयारी कर ली, सो फर बात जो निरस्त कर इस कार्यक्रम लग, ये अनुचित लगी थोड़ा से, दोबारा नहीं बुलाना रही समझला। हमारे तो अपन समय स्वीकार कर चुके रहे कि हमारे समय हो चुके हैं, मंच नहीं मिल पाए करके हम सब आश्वस्त रहे हैं, लेकिन दोबारा मंच बुला के बाद तैयारी होने के बाद कार्यक्रम पर हमला मौका नहीं मिली ना, तो थोड़ा से अच्छा नहीं लगी। चुप का भैया बोला देना रही से हमला चाहे तो 10 मिनट के समय देना रही से। अंबिकापुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहां जिंदा वृद्ध दर दर भटक कर अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है, इसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 4 सालों से पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वृद्ध अपने पेंशन की राशि लेने बैंक गया, तब बैंक वालों ने खाते में पैसा नहीं आने की सूचना दी, जिसके बाद वो जनपद कार्यालय पहुंचा, जहां पेंशन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आपकी मृत्यु होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पेंशन योजना को रोक दिया गया था। वृद्ध कलेक्ट्रेट परिसर जनता दर्शन में शिकायत करने पहुंचा। इधर अधिकारियों ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक का कि आज पेंशन इसका बंद हो गया है बता रहा है, 2018 तक इसको पेंशन मिला है, इसके बाद ये बता रहा है कि जैसे हम जनपद में गए तो हमको बताया गया कि आप मृत घोषित कर दिए गए हैं, तब ये तो जांच होगा। जिंदा है तो मैं अभी जनदर्शन में मिला है, तत्काल ही मैं जनपद सीईओ को भेजता हूँ, और यदि ये सही है और इसको पहले पेंशन मिलता रहा है, बीपीएल सूची में नाम है, तो पुनः इसको जांच करने के बाद जो भी दोषियों का कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन इसको जांच करके पुनः पेंशन देंगे। आपके पास जो व्यक्ति आया था जिंदा है क्या? जिंदा था। अंबिकापुर में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सीएम की वृक्ष संपदा योजना का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शुभारंभ किया। वहीं ग्राम पंचायत में 2 एकड़ की भूमि पर चंदन के पौधे का रोपण भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 एकड़ में पौधा रोपण पर 100% सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान किया गया है और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के इच्छुक भूमि योजना का लाभ ले सकेंगे। इससे जुड़े प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ऑनलाइन जुड़े। वही प्रदेश के 33 जिले के हितग्राहियों से खुद मुखातिब हुए और इस योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे पता चला? वन विभागों के अधिकारियों से। क्या पता चला? यही पता चला कि चंदन की लकड़ी लगाने से बहुत ही फायदेमंद है और मुझे पहले से ही पौधा लगाना अच्छा लगता था, इसलिए मैं अपने बाड़ी में 2 एकड़ में चंदन के पौधे लगवा रही हूँ। मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे और उनकी इस योजना से मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और चोरों पर पुलिस का कोई खौफ तक नहीं है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, वो एक ना एक दिन चोरों को पकड़ ही लेते हैं। सरायपाली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल चोरों ने चोरी की और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके साथ ही चोरी हुई मोटरसाइकिल के साथ आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वन संपदा योजना का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। वह वन संपदा योजना के माध्यम से रोपण के लिए 2013 से हितग्राहियों के द्वारा 4,694 एकड़ पर 47,14,036 पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजित कार्यक्रम में हितग्राही टी कोंडल राव के जमीन में 1500 पौधों का रोपण किया गया। वही इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समिति के सदस्य और योजना के हितग्राही उपस्थित रहे।
चैत नवरात्र के पहले दिन मां दंतेश्वरी मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आदि शक्ति दंतेश्वरी मंदिर सहित जिले के विभिन्न मंदिरों में नवरात्र में 9 दिनों तक श्रद्धालु मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हुए नजर आने वाले हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है और नवरात्रि का ये पर्व आज 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च 2023 तक चलेगा। वह दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली की गोली लगने से मौत भी हो गई है। वही पुलिस अधीक्षक आंजनेय ने बताया कि जंगल में पुलिस की टीम सुबह 6 बजे से सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान नक्सलियों ने गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली ने एक नक्सली को मार गिराया है। वही जवानों को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। वही इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। के सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की आशंका पर दिनांक 20/3/2023 की रात्रि को DRG एवं STF की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑफ पर रवाना किया गया था, जो आज दिनांक 21/3/23 के प्रातः 6:30 बजे के आसपास पोर्चोली एवं तोड़का के जंगल में पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए सशस्त्र माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया गया। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई किया गया। पुलिस और नक्सलियों के जो मध्य मुठभेड़ है करीब 1 घंटे तक चली। मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर जगदलपुर में एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं महिला की टॉयलेट में गिरने से उसके बच्चे की मौत हो गई और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आपको बता दें कि गर्भवती महिला का इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं बचा पाई। वहीं महिला की हालत अब गंभीर बनी हुई है। और लेफ्ट साइड पैरालिसिस था तो और हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो उसको मेडिसिन वार्ड में उसका इलाज चल रहा था और प्रीवियस CT स्कैन दंतेवाड़ा में हुआ था, उसमें भी इंटरक्रेनियल ब्लीड दिखा रहा है, ब्रेन के अंदर ब्लीड दिखा रहा है। और उसका चूँकि पीड़ित जो महिला जो मरीज जो है वो प्रेग्नेंस थी, उसका वजन है जो बच्चे का वजन करीबन 348 ग्राम था, तो वो शायद ऐसे सुनने में आया था डेथ सा हो गया है और साथ में एक साइड पैर में। अच्छा। हाँ मतलब पूरा एक साइड बाय साइड काम नहीं कर रहा। अच्छा। नस गया कैसे। हाँ तो वो बच्चा अभी कैसा है? अच्छा नहीं है। पेट में जो बच्चा था कैसा है? नहीं है, खत्म हो गया। हाँ बोल, निकल गया। निकाल दी बच्चा को? हाँ। प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने माता की नवनिर्मित गुड़ी का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में मंत्री ने शामिल होकर जलनी बूढ़ी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। वहीं मंत्री लखमा ने इस अवसर पर मंदिर में 4 दीवारी निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन में नलकूप खनन, मल्लापारा और गायातपारा में CC सड़क के निर्माण की भी घोषणा की है। वहीं स्थानीय विधायक समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।